सर, इंडियंस मैगजीन छाप रहे हैं। कौन से गन की मैगजीन? गन की मैगजीन नहीं सर, पेपर मैगजीन। छापने दो। 1800 शताब्दी के पहले से ही बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस खुलना शुरू हो गए थे। इनके संपादक लेखकों से कहानियां खरीद लेते थे और अपने प्रिंटिंग प्रेस में छाप कर बेच दिया करते थे। बंगाल के लेखकों ने भी काफी अच्छी कहानियां लिखी। शुरू में ये पत्रिका सिर्फ इंग्लिश में होती थी, लेकिन बाद में इनको बंगला में भी छापना शुरू किया गया और बहुत सारे लोग पत्रिका पढ़ना शुरू किए। 1800 शताब्दी का बंगाल आधुनिकता, कला और साहित्य का केंद्र था। उस समय रहने के लिए काफी अच्छी जगह थी, लेकिन अगर आप एक साधारण भारतीय होते तो आपको अंग्रेजों के लिए काम करना पड़ता, आपको पैसे कम मिलते और हो सकता था आपके साथ भेदभाव भी हो। अगर आपको लगता है कि ये बुरा है तो एक बार फिर सोचिए। अगर आप कोई किसान होते तो अंग्रेज आपसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते, आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ता और हो सकता था कि आपका परिवार भुखमरी से मर जाए। आपको लगता है ये गलत है तो सोचिए, अगर आप एक औरत होते, आपको स्कूल नहीं जाने दिया जाता, आपके बचपन में शादी हो जाती और अगर आपका पति गलती से मर जाता तो आपको भी उसी चिता में जला दिया जाता। बंगाल में बहुत कुछ गलत चल रहा था और इन सब चीजों ने पत्रिका के संपादकों का ध्यान खींचा और उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में भी लिखना शुरू किया। वामबोधिनी पत्रिका इन्हीं में से एक पत्रिका थी। इसके संपादक उमेश चंद्र दत्त, आशुतोष घोष और संतोष कुमार दत्त जैसे संपादकों ने स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में अपनी पत्रिका में छापा और लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने अंग्रेजों को पक्ष में रहकर ही सुधार करने की कोशिश में उदारवादी आंदोलन भी चलाया। तुमने देखा हमारे बारे में कितना अच्छा लिखा हुआ है। सर, क्या होगा अगर इसका उल्टा हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। बंगाल की कई पत्रिकाओं ने ब्रिटिश के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और इसी के बाद हुआ 1857 का महाविद्रोह। इस विद्रोह में भारत के कई राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया। अंग्रेजों ने भी जवाब दिया। हिंदू पैट्रियट नाम की एक पत्रिका इस विद्रोह के हर घटना को अपने पहले पन्ने में छाप रही थी। वहीं बंगाल में जहां हर कोई विद्रोह में लड़ रहा था, भारतीयों का एक समुदाय ऐसा भी था जो विद्रोह से बिल्कुल दूर था। ये वे भारतीय थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। इन्हें बाबू वर्ग के नाम से जाना जाता है। कालीप्रसन्न सिन्हा नाम के लेखक ये सब देख रहे थे और उन्होंने अपनी किताब में बाबू वर्ग के बारे में लिखा। इस किताब का नाम था हुतुम पेचर नक्शा, जिसका संपादन 1862 में किया गया। हम कहाँ थे? हाँ, 1857 महाविद्रोह और हिंदू पैट्रियट। विद्रोह में भारतीयों ने काफी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन 12 महीने जंग चलने के बाद अंग्रेज जीत गए। हिंदू पैट्रियट पत्रिका ने इस हार का जिम्मेदार मुगल राजाओं को बताया। इस विद्रोह के खत्म होने तक 800,000 से भी ज्यादा भारतीय या तो लड़ाई में मारे गए या फिर खाने की कमी से। हमने बहुत देर से किसानों के बारे में बात नहीं किया है, देखते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हम लोग धान उगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हेलो, तुम लोग नील क्यों नहीं उगाते हो? क्योंकि उसमें नुकसान होता है। हम नील क्यों उगाएंगे? क्योंकि हमें चाहिए। नहीं, नील किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में हिंदू पैट्रियट समेत ग्रामवर्ता पत्रिका ने भी लिखा, जो कि ज्यादातर कहानियां और कविताएं ही छापा करती थी। किसानों के लिए अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया और सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद ही शुरू हुआ नील विद्रोह। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी नील किसानों के शोषण की कहानी बेझिझक छापने लगे। इससे विद्रोह और भड़का। अंग्रेजी व्यापारियों ने उन पर केस कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। नील के व्यापारी विद्रोह रोकने के लिए जो कर सकते थे वो कर रहे थे। किसानों को पिटवाना, उनके घर जला देना, यहाँ तक कि उनकी औरतों को अगवा भी कर लेते थे। दीनबंधु मित्र नाम के लेखक ये सब देख रहे थे। उन्होंने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा। इस नाटक की कहानी किसानों पर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार की घटनाओं पर आधारित थी। अंग्रेजी व्यापारियों ने उन पर केस कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। अंग्रेजों ने कहानी की घटना को बेबुनियाद बताया, लेकिन फिर खुद किसानों ने घटनाओं के सच होने की गवाही दी। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने नील दर्पण को अवैध घोषित कर दिया। इधर हरिश्चंद्र मुखर्जी पे चलाया गया केस उनके मरने के बाद उनकी विधवा पत्नी पर भी चलाया गया। लेकिन आगे चलकर कोर्ट को एक और फैसला भी लेना ही पड़ा कि नील की खेती ना करने वाले किसानों से नील उगाने के लिए जबरदस्ती ना की जाए।